और अब रुक करते हैं खबर तहसील रेखा और देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। दौसा के कालाखो में पुजारी की हत्या का प्रकरण, सर्व समाज के लोगों की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने दिया कलेक्ट्रेट को ज्ञापन, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग, प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने की उठी मांग। जयपुर के लुणियाबास में सुव्यवस्थित ट्रैफिक संचालन के लिए लगाई गई ट्रैफिक सिग्नल लाइटें बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाइट बंद होने से रोज घंटों तक लग रहा लंबा जाम, लाइटें बंद होने पर व्यापारियों को खासी परेशानी हुई। अलवर में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए छात्र छात्राओं की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने आमजन को भ्रूण हत्या न करने का संदेश दिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में चोर को जेब काटते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर मौका पाकर फरार हो गया। पीछा करने के बाद लोगों ने भागकर चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी चोर से पूछताछ में जुटी। अलवर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 6 नवंबर तक जारी रहेगी। प्रत्याशियों की ओर से सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। रविवार को अवकाश रहेगा, 9 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। अलवर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चोर अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाइक चोरी की घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर की फुलेरा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने दबिश के बाद वारंटी प्रेमचंद और पदमचंद को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी। जयपुर के सांभर में आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पथ संचलन के अंत में दशहरा मैदान पर ही पर्यावरण प्रमुख अशोक की ओर से बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। अलवर के कठुमर में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला आया सामने। चाकू की नोक पर आरोपियों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद विवाहिता को जान से मारने की धमकी दी गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अलवर के कठुमर में पुलिस ने हथकड़ शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 लाख रुपए कीमत की 6,000 लीटर वॉश को नष्ट किया। इसके साथ ही पुलिस ने हथकड़ शराब की भट्टियों पर भी कार्रवाई कर उसे नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जयपुर के सांगानेर में चिकित्सकों की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर पहल की गई, जिसके अंतर्गत लोगों को दीवारों पर पोस्टर न लगाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूक किया गया। जयपुर के सांगानेर में आदिवासी मेणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति के तत्वाधान में तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। और चलिए अब नजर सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम, विटामिन ए खुराक पिलाने के लिए महाअभियान का आगाज। जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने बसंत विहार यूपीएससी से अभियान की शुरुआत की। 2 लाख बच्चों को दवा पिलाने का रखा गया है लक्ष्य। और अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलादू में आशुकवि रतनलाल व्यास साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान की ओर से नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ कथाकार और साहित्यकार डॉक्टर हरिदास व्यास को आशुकवि रतनलाल व्यास राजस्थान के श्रेष्ठ सृजन और सेवा पुरस्कार 2023 से नवाजा गया।
फरौदी में पुष्करणा ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से आयोजित स्नेह मिलन और गुण गौरव सम्मान समारोह का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुंबई संभाग के डॉक्टर सहित एडवोकेट इंजीनियर और उच्च डिग्री प्राप्त लोगों को सम्मानित किया गया। जैसलमेर के भंडियाना में स्वामी की ढाणी गौशाला में लगी भीषण आग, गौशाला में रखा चारा हुआ जलकर राख। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फलौदी में हार्डकोर अपराधियों प्रकाश बिश्नोई भागने के प्रयास में हुआ घायल, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार, मेडिकल उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल फलौदी। एएसपी सौरभ तिवाड़ी, सीओ रामकरण सिंह, मलिंडा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अचले बाजार पाली संभाग की तहसील की खबरों पर सुरमे में आबकारी विभाग ने हथकड़ शराब पर की बड़ी कार्रवाई, निचालागढ़ में 4000 लीटर वॉश को किया नष्ट, कार्रवाई कर मौके से 60 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। आबूरोड रेवदर आबकारी विभाग और स्वरूपगंज पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, अवैध ड्रमों में भरी करीब 7000 लीटर हथकड़ को नष्ट किया। पाली के देसुर में दिन दहाड़े स्टेट बैंक के सामने से बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, दो युवकों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सादड़ी थाना क्षेत्र स्टेट बैंक के सामने वारदात, बाइक मालिक चंद्रपाल सिंह गए हुए थे बैंक में, सादड़ी पुलिस मामले की जांच करेगी। सुरे में दो ट्रेलर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, ट्रेलर चालक और परिचालक की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, कोयले से भरा ट्रेलर जलकर खाक हुआ। सदर थाने से एएसआई शतान सिंह जाप्ते के साथ पहुंचे मौके पर, मंडार जाने वाले स्टेट हाईवे पर मीरपुर के पास हादसा हुआ। और अब नजर बीकानेर संभाग के तहसील की खबरों पर, अनूपगढ़ के राजनगर में शहीद नगर गुरुद्वारा बुढ़ा जौहर साहिब में गुरु रामदास चौथे पातशाह के प्रकाश पर्व पर श्री अखंड पाठ का भोग डाला गया। इस दौरान पंडाल में धार्मिक दीवान सजाए गए और दस्तार पगड़ी के मुकाबले कर पाएगा। और नजर अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर, ब्यावर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, सेतु सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ब्यावर से नामांकन पत्रों का वितरण शुरू हुआ। नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। आगामी 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 9 नवंबर तक नाम वापसी हो सकेगी। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। ब्यावर में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसशुदा हथियार जमा करने का काम शुरू हो गया। सिटी थाना पुलिस की ओर से लाइसेंस धारियों को दिए गए नोटिस के बाद 75 हथियार जमा किए गए। नागौर की मेड़ता सिटी में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख हुआ, मेड़ता पालिका दमकल ने आग पर पाया काबू। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। नागौर की मेड़ता सिटी में डैम में डूबने से 14 साल के बच्चों की मौत हो गई। सेवा भारती और मीरा तैराकी टीम ने शव को निकाला बाहर, पानी भरते समय पैर फिसलने से बच्चा पानी में गिरा। नागौर के जाल में अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि मात्र 4 घंटे ही जा रही बिजली। निर्माणा के राजकीय बांगर जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ दिखाई दी। इन दिनों मौसमी बीमारियों के चलते आउटडोर मरीजों की तादाद बढ़ गई, 1000 से भी ज्यादा आउटडोर मरीज आ रहे रोजाना। चिकित्सक अस्पताल समय में मरीजों को देखने में असमर्थ। निशांगन थाना क्षेत्र के मेवाड़िया में अचानक ट्रैक्टर की बैटरी फटने से एक युवक झुलस गया, परिजनों ने उसे राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सक राजेंद्र सिंह लामरोड ने प्राथमिक उपचार के बाद ज्वेलन अजमेर रेफर कर दिया। और अब नजर कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर, झलावाड़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बकानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनसे 55 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। जब्त मादक पदार्थों की कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। झलावाड़ में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 8,38,000 रुपए।
जलार पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर की नाकाबंदी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिड़ाबा के दलेलपुरा मोहल्ला निवासी मनोहर लाल माली के कब्जे से 565 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया और उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा में गिरफ्तार किया। बारा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग भी अलर्ट मोड पर। बेबड़ा और उदयपुरिया में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। 1200 लीटर वॉश को नष्ट किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई की गई। बारा में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के निर्देशन में रखी जाएगी नजर। एमपी बॉर्डर पर बनाए 12 नाके और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। पुलिस का जवाब तैनात। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिला मुख्यालय से मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट छतपुरा और सांकरिया के साथ समीपवर्ती मध्यप्रदेश राज्य की चेक पोस्ट ओसारा और डोडा का निरीक्षण किया। इस दौरान चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारियों को आपसी तालमेल एवं समन्वय बनाकर सघन चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब नजर उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सलूभर की जलारा पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब भंडारण परिवहन और विक्रय करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। बेरबा और झरमाल गांव में 1000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया। डिका ढोला एवं खेरौली में अवैध शराब परिवहन के 2 मामले दर्ज। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने अवैध और हथकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1140 लीटर वॉश नष्ट की। इसके साथ 20 लीटर देशी हथकर शराब जब्त की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। राजसमंद के आमेठ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। और अब नजर भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। नागौर के सर मथुरा में वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। कार्रवाई के बाद अवैध चंबल बजरी कारोबारों में मचा हड़कंप। क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी की निकासी की लगातार सूचना मिल रही। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। धौलपुर की सर मथुरा पुलिस ने बथुओ खो बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने करौली धौलपुर सीमा स्थित बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों के साथ वाहनों का निरीक्षण किया। धौलपुर के सर मथुरा वन विभाग ने प्रतिबंधित क्षेत्र से बजरी का दोहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वनपाल अरविंद परमार के नेतृत्व में जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। धौलपुर के निजी स्कूल में जूनियर एनसीसी कैडेट्स ने किया सीनियर एनसीसी कैडेट्स का भव्य स्वागत। तलवार आर्मी अटैचमेंट कैंप में 12 दिन की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटने पर स्वागत किया। सीनियर कैडेट्स ने ट्रेनिंग में प्राप्त अनुभव एवं कौशलों के जूनियर कैडेट्स के साथ साझा किया। धौलपुर के सर्वधुरा पुलिस ने ऑपरेशन मदिरा धर के तहत कार्रवाई की है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर 174 पंपा अवैध शराब जब्त की। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।